This is the new MacBook Air with the M1 chip, and I have been using this MacBook for almost a month. So, this is my review of the new MacBook Air. और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ये लैपटॉप मेरा नहीं है, ये मेरे एक फ्रेंड का है। वो एक महीने से आउट ऑफ टाउन है, इसलिए एक महीने से इस लैपटॉप को मैं यूज़ कर रहा हूँ। That's it. To be honest, I have been a Windows user since 2009. और पिछले 13 सालों में मेरे जहन में कभी भी एक ख्वाब नहीं आया कि मैं Mac में शिफ्ट हो जाता हूँ। But गुरु, इस एक महीने ना मेरी सोच ही बदल दी है। Let me tell you. तो जैसे आप इस लैपटॉप को खोलोगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा, अब आप सोचोगे कि मैं बोलूंगा स्क्रीन, बट नहीं, सबसे पहले आपको दिखेगा आपका चेहरा, बिकॉज इस लैपटॉप में आपको मिलता है एक ग्लॉसी डिस्प्ले। ज्यादा टेक्निकल में जाऊंगा नहीं, सीधी भाषा में लैपटॉप में दो तरीके के डिस्प्ले होते हैं, एक मैट और एक ग्लॉसी। और ज्यादातर सिनेरियोस में ग्लॉसी डिस्प्ले हमेशा बेटर होता है मैट डिस्प्ले से। और डिस्प्ले की बात करी रहे तो इस लैपटॉप का डिस्प्ले आज तक के जितने भी मैंने लैपटॉप यूज किए उनमें सबसे ज्यादा बेस्ट है। और अगर आप मूवीज वगैरह देखते हो तो कलर कॉन्ट्रास्ट सब काफी कमाल का है। अब देखो, अगर मुझे सिर्फ मूवीज वगैरह ही देखनी है तो मैं टीवी खरीदूंगा, लैपटॉप क्यों खरीदूं? लैपटॉप का असल काम होता है परफॉर्मेंस देना, और इसकी परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल है। स्पेक्स की बात करते हैं, इसमें आपको 8GB रैम मिलती है, 256GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है, बट ये सिर्फ सेकेंडरी बात है। जो असल चीज है वो है इसका प्रोसेसर, M1 चिप, वन ऑफ द फास्टेस्ट चिप एवर क्रिएटेड। कुछ कुछ केसेस में ये इंटेल के i9 CPU को भी पीछे छोड़ देता है, जो कि उनका टॉप नॉच चिप है। और बस यही गुरु, हम पिघल गए। एग्जांपल के लिए मैंने 4 मिनट की 4K वीडियो रेंडर के लिए लगाई थी, मात्र 2 मिनट के अंदर वो वीडियो रेंडर हो गई। दैट्स हाउ क्रेजी फास्ट इट इज। अब देखो, स्पीकर में आप किसी लैपटॉप से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको स्पीकर ही चाहिए तो जाके JBL खरीदो। ऐसे में सोच हुआ करते थे इस लैपटॉप को यूज करने से पहले, बट इस लैपटॉप ने मेरी सोच को भी पार कर दिया। बहुत ही कमाल का क्लियर और लाउड साउंड इसमें आपको मिलता है। इसमें आपको फ्रंट फेसिंग स्पीकर मिलता है, यानी कि जैसे ही आप वीडियो चालू करोगे तो साउंड सीधा आपके मुंह पे पड़ेगा। आउट ऑफ 10 इसके स्पीकर को मैं दूंगा 9, वो एक भी कम इसलिए क्योंकि मुझे थोड़ा ईगो प्रॉब्लम है, किसी को मैं परफेक्ट स्कोर नहीं देता। अब देखो, बैटरी मुझे उतना मायने देती नहीं, क्योंकि सबसे पहली बात मैं जंगल में नहीं रहता, और दूसरा मेरे घर में 24 घंटा लाइट रहती है। बट स्टिल, अगर आपको एक अच्छा बैटरी बैकअप मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और इसका बैटरी बैकअप अच्छा नहीं, धांसू है। ऑन एन एवरेज अगर आप एडिटिंग वगैरह करते हो तो आपको 10 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है, बट अगर आप मूवीज या फिर वेब ब्राउजिंग करते हो तो आपको 14 से 15 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है, जो कि मुझे लगता नहीं किसी भी लैपटॉप में इतना बैटरी बैकअप आपको मिलता होगा। अब देखो, डिजाइन की क्या ही बात करूं मैं, एप्पल का दूसरा मतलब ही डिजाइन होता है। काफी स्लीक और स्लिम डिजाइन है, और इसमें आपको एक एल्यूमिनियम बॉडी मिलती है। और इसकी डिजाइन की सबसे कमाल चीज दिखाऊं, ये चीज अपने लैपटॉप के साथ करके देखना, समझ जाओगे। अब देखो, ये एप्पल है, MI तो है ना, जो आपको 10 हजार में 8-8GB के रैम घुसेड़ के दे देगा। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आने वाले सालों में MI आपको लेफ्ट हैंड में एक फोन दे देगा और राइट हैंड में एक रैम का डब्बा पकड़ा देगा। खैर, आउट ऑफ द टॉपिक, इस लैपटॉप का जो प्राइस है वो है 90,000 रुपीज, बट मेरे दोस्त को ये ऑफर में 80 में मिल गया था, जो कि वैल्यू फॉर मनी है। जो 3 लाख के लैपटॉप काम कर सकते हैं वो ये चीज 80,000 में भी कर देगा, यानी कि टोटल 1,70,000 का डिफरेंस। 1,70,000 में पता है कितने MI के फोन आ जाएंगे? अब MI की फैक्ट्री खुल जाएगी तुम्हारी। अब देखो, दो तरीके के लोग इस लैपटॉप को खरीदेंगे। सबसे पहले मेरे जैसे एडिटर्स, जिन्हें सही में इस चीज का काम है। दूसरे वो लोग जिनका इंस्पेक्ट से कुछ लेना देना नहीं है, ऑल दे नीड इज दिस एप्पल लोगो और स्टारबक्स में इंस्टाग्राम के लिए थोड़ी बहुत पिक्चर्स। दोनों ही चीजों में दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास पैसा है तो आप ले लो, मैं कौन होता हूँ आपको मना करने वाला, और कौन सा मेरे मना करने पे आप नहीं लोगे। बस इन्हीं चीजों की वजह से मुझे वर्थ अपग्रेड लगा ओवर द विंडोज लैपटॉप। शायद से नियर फ्यूचर मैं भी एक मैकबुक ही लूंगा। सो बस दैट्स इट। देख रहे हो बंदे को, व्यूज नहीं आ रहे तो टेक्निकल वीडियोस में घुस गया है। तुम्हारे लिए लोनावला चले गए, कश्मीर चले गए, लद्दाख चले गए, बस चांद पे जाना बच गया अभी। सो बस दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर एंड पीस। ये तो टाइम हो गया, बाय।